सो गाइस, आज की स्टूडियो में जानेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन के अलग अलग यूजेस जानेंगे और साथ ही साथ मेरे पास है ये सभी पर्सनल प्रोनाउन जो कि टोटल मेरे 7 है। अब समझते हैं कि आप आई को मी में कन्वर्ट कर देते हैं, आप आई को माई में कर देते हैं, आई को आप माइन में कर देते हैं, साथ ही साथ आई को आप माई सेल्फ में कर देते हैं, ये आपके कैसे चेंज होते हैं, ये इसका नाम क्या होते हैं और साथ ही साथ इसे यूज करने का क्या तरीका है, तो सारी चीजें आज के स्टूडियो में जानेंगे। तो समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सबसे पहले क्या यूज है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपके इस प्रकार से यूज किए जाते हैं जो कि आपका फॉर्मूला होगा। सबसे पहले आपके पर्सनल प्रोनाउन होगा जो कि आप हिंदी जानते होंगे कि आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग, यू का मतलब तुम या आप लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, ही मीन्स वो, ये यूज किया जाता है मेल के लिए दैट मीन्स पुरुष के लिए, और सी मतलब वो, ये यूज किया जाता है फीमेल के लिए दैट मीन्स स्त्री के लिए, इट मीन्स या जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आप इसे यूज करते हैं। तो समझते हैं इसका क्या यूज है, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन होगा, इसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब, फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसा टेंस होगा उसके अनुसार हम यूज कर लेंगे। तो एग्जाम्पल होगा आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब जब आपको हिंदी में बोलना हो मैं, तो आप हिंदी के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई, और आई के साथ आप लगाएंगे उसका वर्ब जो कि यूज किया जाता है, वो आप अलग वीडियो में जानेंगे। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या हम क्रिकेट खेलते हैं, दोनों के लिए हम लगाएंगे वी, और वी यहाँ पर आपका काम कर रहा है एक सब्जेक्ट का, जो कि आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन आपके जो काम करते हैं वो आपके सब्जेक्ट के काम कर सकते हैं। इसलिए इसी बार से यू कैन टॉक इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो, यहाँ पर यू जो है आपका एक प्रोनाउन है और यहाँ पर यू एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये है आपका एक पर्सनल प्रोनाउन। इसी बार से दे हैव पास्ड द एग्जाम, वे लोग परीक्षा पास कर चुके हैं। अब देखिए दे आपका एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि आपका एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही विल ईट अ मैंगो, वो आम खाएगा, ही आपका एक सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से सी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी, यहाँ पर सी आपका लग गया है आपका एक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है और ये आपका फीमेल के लिए यूज किया गया है और ये यूज किया गया ही आपका मेल के लिए। इट इज अ बुक, यह एक किताब है, इट आपका यहाँ पर क्या है एक प्रोनाउन है, जो कि ये सभी प्रोनाउन जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये सभी आपके पर्सनल प्रोनाउन है और ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आगे समझते हैं कि आप आई को मी में कन्वर्ट कर देते हैं, वी को अस में कर देते हैं, इस बार से आप सबको चेंज कर देते हैं। जब आप चेंज करते हैं तो उसका नाम होता है आई से इसे मी बनता है, वी से अस बनता है, ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दैट मीन्स कि सेंटेंस में जो यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। आप समझते हैं इसका यूज करने का क्या तरीका है, कैसा हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका हिंदी भी लिखा गया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें या हम लोगों को, इस पर आप सेंटेंस को सेंटेंस में आप वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल किस पर्स होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले तो आप लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा वर्ब, फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे कि मी अस देम इस पर्स होगा। एग्जाम्पल देखिए, से राहुल विल गिव मी अ पेन, राहुल मुझे एक कलम देगा। तो मुझे, तो मुझे के लिए आपने लिखा यहाँ पर मी जो कि वर्ब के बाद आया हुआ है। इसी बार से ही विल टेक अस टू द स्कूल, वो हम लोगों को स्कूल ले जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अस, अस मीन्स हम लोगों को, जो कि वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट है। इस बार से रवि हेल्प्स यू अलॉट, रवि तुम्हारा बहुत मदद करता है। हेल्प्स के बाद आपका यहाँ पर यू आया हुआ है जो कि आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड देम एवरीथिंग, मैंने उन लोगों को सब कुछ बताया या फिर सब कुछ बता दिया। उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए आपने क्या लिखा है, देम लिखा है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं।
माई ब्रदर गिव हिम सम मनी, मेरा भाई उसे कुछ पैसे दिया। अब ये उसे यहाँ पर लड़का के लिए यूज किया गया है, हिम अगर लड़की रहती फॉर यूज किया जाता। जैसे कि आई टॉक टू हर, मैंने उससे बात किया, तो वर्ब के बाद आया हर, हर ये यूज किया जाता है लड़की के लिए, फीमेल के लिए। इसी बार से सुमन रोट इट, सुमन इसे लिख दिया। तो ये कोई चीजों की बातें हो रही थी, कोई नॉन लिविंग थिंग की बातें हो रही थी, उसके लिए आपने यूज किया है इट, जो कि एक प्रोनाउन है। आगे समझते हैं पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। गाइस आप आई से माय बना देते हैं, वी से आवर बना देते हैं, यू से योर बना देते हैं, दे से देयर, ही से हिज, सी से हर और इट से इट्स बना देते हैं। ये सभी जो आपके लिखे गए हैं वर्ड्स, ये सभी आपके एडजेक्टिव का काम करता है और इसके बाद एक नाउन का आना कंपलसरी है। अगर सेंटेंस में माय के बाद अगर आपका कोई नाउन नहीं आता है तो सेंटेंस में माय आपका एकदम 100% आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि अगर माई आता है तो कोई नाउन आएगा, अगर आवर आता है तो कोई नाउन आएगा, अगर योर आता है तो कोई नाउन आएगा। मतलब इसी बार से सभी वर्ड्स जो लिखे गए हैं माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इन सभी के बाद आपका एक नाउन का आना कंपलसरी है, क्योंकि आपका एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसके लिए आता है, तो किसी नाउन के लिए आता है, और ये सभी एडजेक्टिव जो हैं बिना नाउन के कभी नहीं आता। तो सेंटेंस आपके कैसे बनेंगे देखिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा वर्ब, फिर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, फिर आपका होगा कोई नाउन। एग्जांपल जैसे कि दिस इज माय कार, यह मेरा कार है, तो मेरा के लिए आपने यूज किया है माय। इसी बार से इंडिया इज आर कंट्री, भारत हमारा देश है, हमारा देश, हमारा मीन्स आवर, या फिर शायद तो आप बोल सकते हैं इसे आर। You have done your work, तुमने अपना काम कर लिया है, तो अपना के लिए आपने लिखा यहाँ पर योर। योर यहाँ पर आपका हो गया एक एडजेक्टिव जो कि रेड कलर में है, सभी आपके एडजेक्टिव्स हैं। इस बार से दे बॉट देयर कार, उन लोगों ने अपना कार खरीदा। अब यहाँ पर समझा अपना कार, अपना के लिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है देयर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है, तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, देयर बनता है। इसी बार से माय ब्रदर इज हिज फ्रेंड, मेरा भाई उसका दोस्त है, उसका दोस्त, तो उसका के लिए यहाँ पर आपका हो गया हिज, यहाँ पर आपका फ्रेंड हो गया एक नाउन और हिज आपका हो गया एक एडजेक्टिव। इस बार से आई टूक हर पेन, मतलब कि मैंने उसका कलम लिया। हर पेन, हर यहाँ पर आपका लड़की के लिए यूज होता है, जो कि लड़की के लिए यहाँ पर आपका आ गया उसका पेन। ये उसका कौन है, या फिर आप बोल सकते हैं उसकी पेन बोल सकते हैं, ये आपका गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। इट्स वाटर इज डर्टी, इसका पानी गंदा है। इट्स वाटर, यहाँ पर समझे वाटर आपका एक नाउन है, और नाउन से पहले ये जो आपका वर्ड है ये आपका एक एडजेक्टिव है, इसके बीच कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं है, ऊपर से कोई कॉमा इसमें नहीं है गाइस, विदाउट कॉमा यहाँ पर आपका इट्स लिखा हुआ है। आगे आपका पजेसिव प्रोनाउन है। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आपका आई से माइन बन जाता है, वी से आवर्स बन जाता है, यू से योर्स, दे से देयर्स, ही से हिज और सी से हर्ष बन जाता है, जिसका कि हिंदी मीनिंग इस पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सभी आपके प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। दैट मीन्स आप कहते हैं ना कि आप बोलते हैं मेरा, तो मेरा आप सिर्फ बोल देते हैं, तो मेरा के लिए आपको यूज करना होता है माइन। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि मेरा के लिए तो माई होता है, क्या मैं माई नहीं लिख सकता, तो माई अगर आप लिखते हैं तो इसके साथ एक नाउन का आना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरा, सिर्फ मेरा है, जैसे आप बोलते हैं यह मेरा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज माइन, इट इज माइन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका मेरा सो एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट आपका इट, वर्ड आपका इज और माइन आपका एक ऑब्जेक्ट जो कि आपका एक प्रोनाउन है, तो कोई यहाँ पर दिक्कत है ही नहीं। अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज माई, इट इज माई, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माई के बाद आपका नाउन आएगा, अगर यहाँ पर आपको कोई नाउन नहीं है तो आप माई नहीं लिखिए, माइन लिखिए। ये तो आगे समझते हैं एग्जांपल से पजेसिव प्रोनाउन, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और पजेसिव प्रोनाउन आप लास्ट में लिखेंगे। एग्जांपल जैसे कि दिस इज, दिस बुक इज माइन, ये वो किताब मेरा है, दैट बुक या फिर दिस बुक, दिस बुक है तो हो जाएगा यह किताब,
दिस बुक, यह किताब, इज माइन, मेरा है। इसी बार से आवर्स इज ग्रेट कंट्री या फिर आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा महान देश है, हमारा महान देश है, हमारा, हमारा के लिए सिर्फ आवर्स लिखा गया है जो कि आपका एक प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट का काम कर ही सकता है। इसी बार से दैट हाउस इज नॉट योर्स, वो घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा, तुम्हारा मीन्स योर्स, या फिर आप देखिए योर्स आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इससे समझ सकते हैं तो ऑब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसके रूट पर बात करूं तो रूट में आपका होता है पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि यह बताता है किसी भी चीजों पर अधिकार बताता है, ये चीज मेरा है, उसका है, आपका है, इस पार से बताता है। ऐसे हो जाएगा दैट इज देयर्स, वो उन लोगों का है, तो वो मीन्स मैं बोल रहा हूं कि वो एक किताब है और मैं कहा कि वो उन लोगों का है, वो उन लोगों का मतलब कि वो जो किताब है वो उन लोगों का है। यहाँ पर उन लोगों के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर देयर्स, जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो वर्ब के बाद सिर्फ अकेले ये आ सकता है। इसी बार से दैट वॉज इज हिज, वो घड़ी उसका है। अभी आप देखिए ये जो हिज है बहुत कम सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, तो लगता होगा कि ये हिज आपके क्या है, नहीं है, ये गलत तो नहीं है, लेकिन ये आपके गलत नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ही का, हिज, जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। इसी वजह से दिस साड़ीज आर हर्स, ये साड़ियां उसकी है, तो उसकी के लिए आपने सिर्फ क्या लिखा है, हर्स लिखा है, जो कि हर में आपने एस को सफिक्स किया है। आगे गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका जोड़ता है या तो सेल्फ या तो सेल्फ्स, मतलब कि आपका सेल्फ जोड़ता है सिंगुलर के लिए और प्लुरल के लिए जोड़ता है आपका सेल्फ्स। आप समझ लीजिए आई माई सेल्फ, वी आर सेल्फ्स, यू योर सेल्फ, या फिर योर सेल्फ्स भी होता है प्लुरल के लिए, दे देम सेल्फ्स इस पर से होता है। तो समझते हैं इसका क्या एग्जांपल है। आप समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है, ये दर्शाता है किसी सब्जेक्ट को। आप समझते हैं कि जैसे कि आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है गाइस खुद, मतलब खुद के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं खुद, आप खुद, वे लोग खुद, इस पर से इसका यूज किया जाता है, जिसमें आपका सेल्फ या फिर सेल्फ्स रहता लास्ट में। ऐसे हो जाएगा कि आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां खुद जाऊंगा, तो खुद, खुद के लिए मैंने सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया माई सेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो माई सेल्फ आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे वी डेकोरेटेड दैट स्ट्रीट आर सेल्फ्स, दैट मीन्स हम लोगों ने खुद वो गली सजाया, खुद सजाया, तो खुद के लिए मैंने क्या लिखा है, आर सेल्फ्स। ये जो लिखा जाता है सब्जेक्ट को देखते हुए लिखा जाता है कि वी अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पर होगा आर सेल्फ्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसे आवर सेल्फ्स। यू कैन मीट हर योर सेल्फ, दैट मीन्स कि तुम खुद उससे मिल सकते हो, तुम खुद, तुम मीन्स यू और खुद मीन्स योर सेल्फ, योर सेल्फ मीन्स खुद। ये किसके लिए यूज होता है, ये सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है गाइस, योर सेल्फ। जैसे कि दे कट द ट्री देयर सेल्फ्स, दैट मीन्स उन लोगों ने खुद पेड़ काटा, यहाँ पर देखिए आपका दे है और दे का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देयर सेल्फ्स। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कैसे इसे यूज करना है। ही रोट अ लेटर हिमसेल्फ, उसने खुद पत्र लिखा, तो खुद के लिए क्या लिखा है, हिमसेल्फ, जो कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर में जितने वर्ड्स लिखे गए हैं ये सभी सेंटेंस के लास्ट में लिखे गए हैं, और इसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अनुसार ये कन्वर्ट हो जाता है, आई माई सेल्फ, वी आर सेल्फ, यू योर सेल्फ, इस पर से। जैसे सी इज कुकिंग फूड हर सेल्फ, वो खुद खाना पका रही है, वो खुद खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है, खुद मीन्स हर सेल्फ। इसी बार से आप बना सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉच।